नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 124वीं जयंती के अवसर पर युवा कल्याण विभाग द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन नौकायन से पेडलेगंज चौराहे पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक किया गया। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मिनी मैराथन का शुभारंभ किया, जिसमें जनपद के विकास खंडों में विजेता खिलाड़ियों एवं अन्य खिलाड़ियों तथा पीआरडी जवानों द्वारा दौड़ में प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक तथा राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक द्वारा पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रामगढ़ताल थाना प्रभारी जय नारायण सिंह, नौकायन चौकी प्रभारी अंजनी यादव सहित भारी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार, युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक तथा डीआईजी राजेश डी मोदक ने कहा। रेडी बहुत अच्छे बेटा, सभी धावक पीछे आ गए, सभी धावक एक जगह रहे। इन छह लड़कों का नाम मुंडा नोट करो। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के अवसर पर ये मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। डीआईजी महोदय मुख्य अतिथि हैं। इसमें ये नौकायान से लेकर के पेडलेगंज तक मिनी मैराथन किया गया, इसमें महिलाओं और पुरुष बच्चों हर सब ने इसमें भाग लिया है। ये देशभक्ति की भावना के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को जागृत करने में बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ और आशा है यह परंपरा भविष्य में भी ऐसी बनी रहेगी। आप सब जानते हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, उसी के अवसर पर मिनी मैराथन युवा कल्याण विभाग गोरखपुर द्वारा किया गया है और उसमें बच्चों को जो है जागृत किया जा रहा है और जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उन बच्चों को अभी गुरु महत्व महोदय आ गए हैं उनके द्वारा। सर, इस तरह के आयोजन कितने जरूरी है, क्यों करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? ये नेताजी के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि देने के जो विभिन्न माध्यम है इसका एक अंग है। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पराक्रम दिवस है, तो आज पराक्रम दिवस के दिन युवा कल्याण डिपार्टमेंट ने मैराथन रैली रखी थी युवाओं के लिए, जिसमें पुरस्कार वितरण के लिए मैं आया था। तो युवाओं ने इसमें आज के दिन काफ़ी उत्साह के साथ पार्टिसिपेशन किया है और काफ़ी खुशी है कि रिजल्ट अच्छे आए और पार्टिसिपेशन से सभी का मनोबल बढ़ा है।